हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज डेट है 1 अक्टूबर। आज मेरे को आए हुए गुजरात में हो गए लगभग 4 दिन, और मैं अभी यहाँ से, आज जुमा भी है गाइस, तो अभी नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मस्जिद जो है वो काफ़ी थोड़ा दूर पे है, 5 से 10 मिनट लगता है, तो मैं वहाँ चल के आपको मस्जिद भी दिखाऊँगा अगर अलाउ हुआ तो। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कल मैं यहाँ से निकलूँगा, कल मेरा टिकट है। और तो अब यहाँ से चलते हैं सीधे मस्जिद के लिए, और कुछ बोलने को तो है नहीं, सीधा मस्जिद चलता हूँ। मैं आपको मस्जिद दिखाने की भी कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं, और भी आज का कुछ प्लान है, अगर मौसम अच्छा हुआ तो ज़रूर वहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम धीरे धीरे बन रहा है, थोड़ी गर्मी भी और उमस भी हो रही है, तो हो सकता है बारिश हो जाए। तो चलिए सीधे मस्जिद चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो मैं आ चुका हूँ मस्जिद गाइस। अभी ये एरिया की जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद है मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने किसी से पूछा तो नहीं, कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन अभी तक जितना 4 दिन तक मैं घूमा हूँ वो सबसे बड़ी मस्जिद लग रही है, जैसे कि मेरे ख्याल से, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये। और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद अभी यहाँ से निकलूँगा, नमाज़ पढ़ने के बाद घर जाऊँगा कुछ खाना वाना खाने का, और उसके बाद का जो प्लान है वो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद बताता हूँ गाइस। तो चलिए सीधे चलता हूँ। तो दोस्तों, नमाज़ पढ़ के हो चुका है, अब हम यहाँ से जाएंगे घर पे, थोड़ा कुछ खाना पीना खाएंगे। जैसे कि आप ये पीछे मस्जिद देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी है, और अब यहाँ से निकलने के बाद घर जाना है, और उसके बाद मेरे को डी मार्ट जाना था, कुछ काम है डी मार्ट में, अगर जाने दिए तो। शायद अपने मुंबई में तो बिना 2 डोज की वैक्सीन के जाने नहीं देता, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। मैं जाऊँगा, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब सीधा घर चलता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर उसके बाद डी मार्ट के लिए निकलता हूँ लगभग 3 बजे के, 3:30 बजे के आसपास। तो अभी खाना वाना खा के मैं घर से निकल चुका हूँ डी मार्ट के लिए, यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और वक्त हो रहा है लगभग 4 बज रहे हैं। अब देखते हैं अगर पर्सनल रिक्शा करते हैं तो कितने में जाता है, मैं रोड पे जाके पूछना हूँ, क्योंकि यहाँ पे यार 8-10 किलोमीटर जाने के लिए सीधा 250-300 रुपीज़ ले रहे हैं। तो अभी मैं सीधा निकलता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ कि मैं किस तरीके से रिक्शा पकड़ा था, देखते हैं। डी मार्ट चलोगे? डी मार्ट कितना लोगे? 20 रुपये ना। यहाँ से कितना दूर होगा? 3 किलोमीटर। तो मैं डी मार्ट आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरे को रिक्शे वाले भाई साहब ने 20 रुपये लिया था, जबकि मैं स्पेशल यानी अगर मैं मीटर से आता हूँ तो मीटर के लिए मुझसे मांग रहा था 50 रुपये के आसपास। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मैं आ चुका हूँ, अब मैं अंदर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कुछ ऑफर ऑफर है या नहीं। थोड़ा तेज मुझे कुमार, ये भाई साहब ने हमें देखा तो चैनल का पूछने लगे, तो मैं बता देता हूँ ये देखो। चलिए कभी दोबारा आना होगा। वेलकम। तो यार मैं टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है, यहीं पे कहीं तो थी लेकिन मिल नहीं रही, ऊपर जाके चेक करता हूँ मैं एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मुझे पता नहीं है टी शर्ट मिल कहाँ रही है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। तो यार टी शर्ट हाँ शायद ऊपर ही है, मतलब वहाँ पे नीचे सिर्फ खाने होने वाली चीज़ का है, यहाँ पे टी शर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे कोई ऑफर देखता हूँ, फिर अगर मिलता है फिर मैं आपको लेता हूँ। तो
निकल चुका हूँ और जो मैंने दोनों सामान लिए वो मैंने दो टी शर्ट ली थी 149 रुपीज़ की, एक पड़ी है ऑफ़र में थी इसलिए ले लिया और ठीक ठाक ही दिख रही थी। और ऑफ़र अगर हम देखा जाए मुंबई के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो ठीक ठाक ही ऑफ़र है, क्योंकि मुंबई पे भी इतना ही दाम है लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट में डिफरेंस है, मुझे ऐसे देखने में लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है और बाकी तो कुछ सब कुछ एकदम वही लगा, सेम लगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो लगा नहीं। लेकिन मैं आपको वीडियो पे जब मॉल के अंदर जा रहा था, मैं डीमार्ट के अंदर, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से मीटर लगा, तो गाइस मीटर नहीं चलता यहाँ पे, स्पेशल सवारी जैसे कि आप पर्सनल अगर कर रहे हो तो उसका दाम काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है 3 से 4 दिन के अंदर। तो डीमार्ट का सफ़र ख़त्म हो चुका और यहाँ से भी हो लिया, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको मुझे कल घर जाना है, कल मुंबई जाना है, क्योंकि मेरे को एक और टूर मारने का काफ़ी कम समय बाकी रह गया है, तो मुझे वहाँ भी कुछ काम रहेंगे, तो वो काम करने के बाद मैं एकदम से तैयार हो जाऊँगा एक और टूर के लिए। तो अभी चलता हूँ क्योंकि मेरे गिम्बल में जो है गाइस चार्जिंग भी नहीं है, अब वीडियो नहीं बना सकता हूँ, अब सीधे यहाँ से घर चलता हूँ, फिर वहाँ से रेस्ट करता हूँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो मैं आ चुका हूँ अपनी बिल्डिंग के नीचे, अब मैं घर चलता हूँ। मैं आपको दो इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। जो सबसे पहली बात है वो ये कि यहाँ के रोड्स जो हैं वो कुछ हद तक ख़राब भी हैं और अच्छे भी हैं, मतलब कहीं कहीं ज़्यादा ख़राब हैं और कहीं कहीं ज़्यादा सही हैं। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे तो कोई भाड़े वाड़े का कोई फिक्स ही नहीं है, कोई 40 ले लेता है, कोई 50 ले लेता है। मैं जब यहाँ से गया तो वो 20 रुपये लिया था डी मार्ट तक, अब मैं डी मार्ट से वापस यहीं तक आया हूँ यही जगह से, तो वो उसने 10 रुपये लिया है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पे कोई भाड़ा कोई फिक्स ही नहीं है, ना यहाँ मीटर चलता है ना यहाँ आपका भाड़ा चलता है। तो चलिए सीधे मैं घर चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा गाइस। गाइस तो अभी बज गए हैं लगभग 9, तो आज यहाँ पे मेरी आखिरी रात होने वाली है। जो मैं अभी मैच देख रहा था तो कोलकाता और पंजाब का, उसके बाद देखने के बाद आया, मैं सोचा तो यहाँ पे फालूदा खा लेते हैं, और ये भाई साहब फालूदा बहुत अच्छा बनाते हैं, मैंने कल ही खाया था तो काफ़ी अच्छा था। ये वापी स्टेशन से आप 2 मिनट सीधा आएंगे मोहन हॉस्पिटल के पास, आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा बनाते भी हैं। तो चलिए मैं इनसे एक फालूदा ले लेता हूँ, जो कि हाफ जो मुझे कल लिए थे वो लगभग 30 रुपये का लिए थे, अब आज देखते हैं लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो गाइस मैंने भाई से फालूदा ले लिया और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है भाई, आप लोग आइएगा ज़रूर, अगर वापी गुजरात में आना तो ज़रूर टेस्ट करना। तो गाइस भाई तो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्राहक है, तो इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि भाई पहले ग्राहक सबसे पहले हैं, तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा। तो चलिए मैं फालूदा पी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। गाइस ये भाई साहब बहुत टाइम से बिजी हो रहे थे और अभी फ्री हुए हैं, तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो ये अपनी दुकान का नाम क्या है आपका भाई? गोपाल लाल जाट। गोपाल नाम है, तो गोपाल भाई अपनी दुकान का एड्रेस बताएंगे। एड्रेस है रेलवे स्टेशन गीतानगर 7 जेवलेक्स कॉम्प्लेक्स के सामने है। हाँ तो आइसक्रीम, तो अगर आप गुजरात आइएगा तो प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलता हूँ, तो भाई से मुलाकात करनी थी, अब यहाँ से मेरे को कल निकलना है, तो चलिए आगे मिलते हैं। तो भाई का इंतज़ार करते करते अभी फ्री हुए और उनसे मैंने बात किया, कल से ही मैं यहाँ से 3-4 दिन से, तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो मैंने सोचा बात ही कर लेते हैं पूरी। तो चलिए अब चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा दोस्तों। चलिए गुड नाइट।